बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रेड 7। एज यू नो दैट वी आर डूइंग यूनिट नंबर 9, विजन विदाउट साइट। वी डिड रीडिंग डिक्टेशन वर्ड्स, और यू कैन से दैट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड द वर्ड सिनोनिम्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। व्हाट इज दिस कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप? रीड द गिवन डायग्राम केयरफुली टू नोटिस द कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप। लाइक you have to read this one first. Cause and effect is a relationship between event or things where one is the result of other. This is a combination of action, so reaction, action and reaction. Words like so, because, since, that is and why normally reflect the cause effect relationship. क्या होता है कि एक वजह होती है और एक उसका इफेक्ट होता है, उसका असरात हम कह सकते हैं ना, कि उसकी वजह से जो होता है। Like here, cause. Sadia didn't eat anything today, so she was really hungry. उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो भूखी थी। वजह क्या थी कि उसने खाना नहीं खाया, और इफेक्ट उसका क्या हुआ कि वो भूखी थी। Cause dad locked the car door, that is why we couldn't get in the car. क्योंकि वजह क्या थी कि दरवाज़ा बंद था, इसलिए वो सब उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो उसके अंदर नहीं बैठ सकते थे। Cause she was late for school, so she ran to get the school. क्योंकि वो लेट थी, इसलिए उसको भागना पड़ा, किस लिए? स्कूल में जल्दी पहुंचने के लिए। वजह क्या थी? लेट होना, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसको भाग के जाना पड़ा। एंड हियर रीड द टेक्स्ट केयरफुली, अंडरलाइन द कॉज एंड सर्कल द इफेक्ट्स। लाइक हियर अहमद वॉज रियली एक्साइटेड टूडे बिकॉज हिज एग्ज़ाम results were going to be announced soon. अच्छा, अब इसमें इधर हमने पहले कॉज था, फिर इफेक्ट था ना, इधर देखें चेंज हो गया। अहमद वॉज रियली एक्साइटेड, वो एक्साइटेड था बिकॉज, क्योंकि उसका कल रिजल्ट था। ठीक, इसमें अफेक्ट क्या है कि वो एक्साइटेड है, और क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि उसका रिजल्ट था, इसलिए अफेक्ट ये आ गया। सर्कल द अफेक्ट, यस, अफेक्ट ये आ गया और उसकी रीज़न ये वाली आ गई। ठीक, एंड देर आर आई थिंक टू मोर सेंटेंसेज दैट यू हैव टू कंसिडर व्हाट इज़ दैट, और ये आप अपने आप से खुद से करेंगे। यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। सो इट्स योर टुडेज़ होमवर्क, सर्कल द अफेक्ट एंड अंडरलाइन द कॉज। लाइक हियर आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस एज ही हैड वर्कड रियली हार्ड। इसमें कॉज क्या होगा और अफेक्ट क्या होगा? वर्किंग हार्ड इज़ अ कॉज एंड सक्सेस विल बी अ अफेक्ट। ठीक, क्योंकि वो अफेक्ट क्या होगा? सक्सेस, एंड उसका रीज़न या उसका कॉज क्या होगा? वर्किंग हार्ड। इट्स योर टुडेज़ वर्क एंड यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। जस्ट वन सेंटेंस इज लेफ्ट नाउ। थैंक यू।